अपराध और नक्सलवाद की जो गढ़वा में चुनौती है उसे स्वीकार करते हुए गढ़वा जिले को पूरी तरह से अपराध और नक्सलवाद से मुक्ति दिलाना ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। यह बातें हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आज गढ़वा एसपी के रूप में प्रभार लेने वाले यानी नए गढ़वा के एसपी अंजनी कुमार झा का कहना है। आज वो गढ़वा पहुँचे और गढ़वा के नए एसपी के रूप में उन्होंने प्रभार ले लिया। हमें केवल बता नहीं रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं। आप देखिए कि पुलिस ऑफिस में एसपी अंजनी कुमार झा द्वारा प्रभार लिया जा रहा है। जो नियम होता है उस नियम के तहत उनके द्वारा हस्ताक्षर करते हुए प्रभार लिया गया। साथ ही उसके बाद पूर्व एसपी श्रीकांत सुरेश राव द्वारा बजाबते गुलदस्ता देते हुए उनका इस्तकबाल किया गया नए एसपी अंजनी झा जी का। सभी लोग अधिकारी उनसे मिल रहे हैं, सबके द्वारा उनका स्वागत किया गया गढ़वा में और वो प्रेस से भी मुखातिब हुए। प्रेस के सभी लोग से एसपी द्वारा परिचय लिया गया उनसे और प्राथमिकता अपनी बताते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए आप खुद सुनिए। किया है और जो मेरे प्रेडेसेसर हैं इससे पहले उनसे भी यहाँ के बारे में अवगत हुआ, यहाँ का क्या क्राइम सिनेरियो क्या है, नक्सल सिनेरियो क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशंस है, थोड़ा इनसे अवगत हुआ। आगे आने वाले दिनों में भी जो यहाँ पे पोस्टेड जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी लूँगा और जो भी यहाँ के चैलेंजेस है क्राइम फ्रंट पे और जो आपके नक्सल फ्रंट पे मैं समझ रहा हूँ कि क्योंकि इससे पहले झारखंड जगुआ में मैं जब था तो उस दौरान भी यहाँ के नक्सल जो परिदृश्य है उसके बारे में काफ़ी कुछ मुझे जानकारी थी। तो इन्हीं सबके विरुद्ध जो प्रभावी कार्रवाई हम लोग जो भी पुलिस के हमारे जो साथी लोग हैं उनके साथ टीम बनकर टीम के भावना के साथ हम लोग इस पर काम करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरह एसपी अंजनी कुमार झा द्वारा अपनी प्राथमिकता बताई गई, सीधे रूप में उनसे कहा उनके द्वारा कहा गया कि जो एसपी थे यहाँ पर श्रीकांत सुरेश राव जी से पूरी स्थिति की जानकारी ली गई कि अपराध का सिनेरियो क्या है यहाँ पर, नक्सलवाद किस तरह यहाँ पर हावी है, वो भी खुद वाकिफ हैं। इसलिए कि जब उन्होंने कहा कि आपने सुना होगा कि झारखंड जगुआर में जब वो थे तो यहाँ की स्थिति से पूरी तरह वाकिफ हैं। और साथ ही मैं यह बता दूं जो हमारी बात उनसे हो रही थी जब वो प्रेस से मुखातिब हो रहे थे तो उनके द्वारा कहा गया था कि जब यहाँ पर बंसीधर महोत्सव हुआ था उस समय वो आए हुए थे यहाँ पर और उन्होंने गढ़वा को जाना है, लातेहार में उन्होंने ट्रेनिंग लिया है, लातेहार में जो उस समय थे तो गढ़वा को जान रहे हैं। और हम अभी पूरी तरह से उन्हें बता दें कि यहाँ का प्रेस भी यहाँ के पत्रकार भी पूरी तरह से सहयोगी हैं प्रशासन के साथ, परस्पर सहयोग के साथ ही यहाँ पर काम होता है। हर कोई की चाहत है जिस तरह पुलिस प्रशासन का उद्देश्य है कि गढ़वा को नक्सलवाद और अपराध से पूरी तरह से मुक्त करा देना है, उस दिशा में एक टीम वर्क के रूप में गढ़वा पुलिस काम कर रही है जिसमें लगातार सफलता भी मिल रही है। उसी सफलता को निरंतरता बनाए रखने की बात भी नए एसपी अंजनी कुमार झा द्वारा कहा भी गया कि जो यहाँ पर पुलिस अधिकारी हैं जवान हैं सभी से परस्पर सहयोग और एक टीम वर्क के रूप में वो भी कार्य करेंगे और उनकी पूरी प्राथमिकता में यह शामिल है कि गढ़वा जिला को पूरी तरह से अपराध और नक्सलवाद से मुक्त कराना ही हमारी भी प्राथमिकता है। तो निश्चित रूप से हम भी स्वागत करते हैं, बिंदास न्यूज भी स्वागत करता है नए एसपी अंजनी कुमार झा जी का गढ़वा में और यह वादा करता है कि जिस तरह अन्य अधिकारियों का सहयोग हम करते आए हैं उसी तरह इनका भी सहयोग रहेगा और हमारे जिस तरह हम पुलिस प्रशासन का ध्येय है हमारा भी लक्ष्य है इसी तरह हम सहयोग करते रहेंगे और बहुत जल्द अपने गढ़वा को पूरी तरह से अपराध और नशा मुक्त एवं पूरी तरह से नक्सल मुक्त भी देखना चाहेंगे।
अब आपके शहर गढ़वा में बड़े शहरों के तर्ज पर मिलेगी स्कूली शिक्षा। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो CBSE पर आधारित है, नामांकन प्रारंभ है, सीट सीमित है। हमारी विशेषताएं वेल प्लैनेट एकेडमिक क्यूरिकुलम, डिजिटल क्लासरूम फैसिलिटीज, एयर कंडीशनर क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, आउटडोर एंड इनडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इंग्लिश लर्निंग एंड लाइफ स्किल्स। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर टंडवा गढ़वा। संपर्क करें 9031 4747 50।